फ्रेंडलुक के तौर पेश पे आज आपको हमने देखा, काफी अच्छे लग रहे हो, काफी गॉर्जियस लग रहे हो। आज आपको बर्थडे भी बता रहे हैं। आज मेरा बर्थडे नहीं है, चार दिन में मेरा बर्थडे। ओके, सो इस चीज को लेकर कितने एक्साइटेड हो आज आपने, जिस तरह से आपने रिपीट भी ओपन किया जी। मैडम कैमरे की तरफ। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं एसोसिएट होती हूँ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट से जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बना रहे हैं दो लोग, पैशनेट लोग। और फिटलुक मैगजीन वो ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि पैशन के साथ, प्यार के साथ सब कुछ हो सकता है। सो आई एम रियली ग्लैड एंड ऑनर दैट आई एम ऑन द कवर ऑफ दिस स्पेशल एडिशन ऑफ फिटलुक मैगजीन। मैडम गौहर, फिटलुक में गौहर आने बताया गाइस, वन बाय वन प्लीज। फिट रखने तो बहुत मायने रखता है क्योंकि अगर आप फिट नहीं है तो आपकी ज़िंदगी इज एक्चुअली नॉट वर्थ इट। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके कितने एब्स हैं या आपके कितने मसल्स हैं। मसल्स होना बहुत अच्छी बात है बिकॉज आई एम अ वेट ट्रेनर, सो आई पुश दैट, जैसे आप देख रहे हैं मोहित को। लेकिन अगर आप हैवी वेट्स नहीं कर सकते या वेट्स नहीं कर सकते, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड बीइंग लेथार्जिक। तो यू कैन बी हेल्दी विद एवरीथिंग। आप दिन के 20 मिनट भी अगर वॉक करोगे एक हाई स्पीड पे तो आपको वो इफेक्ट करेगा। आप थोड़ा जॉगिंग कर ले, स्किपिंग कर ले, या इफ वेट्स वर्क फॉर यू, योगा वर्क्स फॉर यू, यू हैव टू डू एवरीथिंग बिकॉज़ हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैडम फिटलुक बर्थडे एडिशन निकाल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो मैं इनका प्यार कहना चाहूंगी क्योंकि ये मुझसे पहले प्यार ऐसे दूर दूर से करते थे, अब मुझे प्यार मिल के करते हैं क्योंकि अब वो मेरे साथ काम कर चुके हैं। फिटलुक के बारे में जिसको एक डेडिकेशन मिलती है, तो आई फील वेरी ऑनर्ड कि ये हुआ मेरे साथ। और आपने कहा फिटलुक क्या, फिटलुक के बारे में तो ये बताएंगे, तो आप बताइए फिटलुक के बारे में। नहीं, मैं कह रही हूँ कि फिटलुक मैगजीन कुछ 10 महीने पहले शुरू की गई थी बाय दीज टू वंडरफुल पीपल, कार्निका एंड मोहित, जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इनकी कहानी तो बहुत ही प्यारी है। तो हाँ, फिट एंड लुक, तो आई नो शी इज आल्सो वेरी फिट, डोंट स्पॉइल योर एडवाइस। मैम गौहर खान की फिटनेस से क्या राज है? गौहर खान की फिटनेस, मेरी फिटनेस का राज ये है, किसी ने दरवाजा खोल दिया है क्या? मेरी फिटनेस का राज ये है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल खुश रहती हूँ। खुश रहने से आप एक्चुअली फिट हो सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपका अंदरूनी सोल खुश नहीं है, अच्छा नहीं है, जागरूक नहीं है, तो आप कितने भी वेट्स उठा ले आप फिट नहीं हो सकते क्योंकि आपका दिमाग सही नहीं होगा। वन टू, मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ, मुझे जिम जाना बहुत पसंद है। तो या दैट्स व्हाट आई डू एंड आई ईट राइट। वही तो मैं कह रही हूँ कि जहाँ जाए ना ये सवाल जरूर आ जाता है, तीन सवाल के बाद चौथा सवाल ये जरूर आता है। मैडम जिस शहर में आज आए हैं, गुड़गांव में, गुड़गांव के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी फिट लुक के लिए आई हूँ। गुड़गांव में आए हैं आज आप, कुछ शहर गुड़गांव के लिए बताएंगे? जी जोश के साथ में मुझे गुड़गांव से बहुत प्यार है क्योंकि मैं यहाँ 2.5 साल रही हूँ और किंगडम ऑफ ड्रीम्स बिल्कुल मतलब बगल में है। मेरी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं यहाँ की और मैं जहाँ जहाँ से गुजरती हूँ अपने स्टाफ को बता रही थी मैं यहाँ रहती थी, मैं यहाँ गाड़ी चलाती थी। सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड आई हैव fondest memories. अगर कोई नया प्रोडक्शन आया फॉर श्योर, बट जंगूरा विल ऑलवेज बी माय द बेस्ट, वन ऑफ माय बेस्ट डिसीजंस ऑफ लाइफ। I think her cover was also amazing and my cover is also amazing and everybody should do good things in life. Give us two highlights from the shoot. हाइलाइट्स फ्रॉम द शूट, सो दो हाइलाइट्स शूट के ये थे कि एक तो मैं उसके प्रीवियस नाइट बिल्कुल नहीं सोई थी। आई डिड द शूट विद नो स्लीप, सो जब मैं गाड़ी में आई आई टोल्ड दीज गाइस मुझे ना बस 10 मिनट का नैप दे देना एंड दे वर सो नाइस, दे एक्चुअली मेड मी स्लीप फॉर 10 मिनट्स एंड आई वोक अप लाइक आई हैड स्लेप्ट फॉर 10 आवर्स। सो दैट वॉज वन and to that I just met wonderful people on this shoot and I will carry this always. And it's your girl, that one
मेरे ऐसे बहुत विशेष हैं जो अब तक मुझे पूरे करते हैं, और वो एक कहावत ही ना, बस इतना सा ख्वाब है, वो एक्चुअली मेरे लिए है, क्योंकि मैं ऐसा लगता है बस इतना सा ही है, फिर मैं उसके बाद और बस निकाल लेती हूँ। मैडम आपकी नई एल्बम का नाम क्या है? बिग बॉस के विनर के बाद आपके जीवन के अंदर क्या क्या बदलाव आया आपने अपने आप को? सर बिग बॉस के बाद तो मतलब मेरी जिंदगी ऐसे बस जा ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जितना प्यार मुझे बिग बॉस की वजह से मिला वो तो आज दिख ही रहा है। सो क्या मैं योगा करती हूँ? मैं योगा नहीं करती, फिटनेस क्वेश्चन। आई डोंट डू योगा बिकॉज इट्स नॉट फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं। सर मैंने सवाल का जवाब कम्प्लीट ही नहीं किया। योगा नहीं करता। ये विश करना चाहूंगी कि जितने अच्छे इंसान ये दोनों हैं इनको बहुत ज्यादा तरक्की मिले, और जैसे हैं बिल्कुल हमेशा वैसे ही रहना, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।